गाइस ये 43 मीटर ऊंचा विशाल शादन है। आप लोग हो सके तो पैदल मत आना, एक्चुअली ध्यान रखना तो अंडरग्राउंड रास्ते से, फिर आप इधर से निकलोगे। इधर से 1911 ये अपने दिल्ली घोषित कर दिया गया था, दिल्ली को राजधानी। ये जो उसके बाजू में जो गार्डन बैठने का दिया है वहाँ पे देखो, सब फैमिली वाले और सब लोग बैठ के और हम लोग मेरठ के पता है क्या खा रहे हैं यहाँ, क्या मोमोस। अभी दिल्ली आया तो मोमोस तो खाना पड़े, मोमोस और छोले भटूरे। अभी छोले भटूरे बाकी हमारा, अभी मोमोस हम लोग खा रहे हैं, छोले भटूरे। हाँ छोले डूचे आप लोग जो भी बोलते हो, कुलचे छोले कुलचे खाने बाकी, अभी छोले भटूरे जो भी आप लोग बोलते हो। पर हम लोग मोमोस तो ट्राई कर लिए इंडिया गेट पे बैठ के मस्त। यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी लग रही है इसलिए हम लोग गार्डन पे बैठ गए। यहाँ पे जो काफी सारे बैठ रहे हो, खाने पीने का भी अच्छा रहेगा सब, तो ट्राई करते फिर ऐसे व्लॉग हम लोग कंटिन्यू। तो है गाइस कैम शो फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आप लोग देख सकते हो पीछे मेरे इंडिया गेट है पार्लियामेंट का बना के, अब सीधा हम लोग आए पे इंडिया गेट पे। सो यहाँ से हम लोग व्लॉग बना रहे और आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ का जो जो था वॉर का और शोल्डर का, आपने काफी सुना होगा तो मैं भी आज पूरा कैप्चर करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो पूरा कंटिन्यू वॉच करना। चलिए तो अगर आप इंडिया गेट आ रहे हो तो ये अंडरग्राउंड रास्ता है, ध्यान रखना। आप उधर साइड से कभी हम लोग उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, तो ध्यान रखना गाइस अंडरग्राउंड से। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 ये अपने दिल्ली घोषित कर दिया गया था, दिल्ली को राजधानी। ये सब पूरा रहेगा, आप पूरा पढ़ लेना, मैं पूरा आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो लेंथ बड़ी हो जाएगी। सो गाइस आपके लिए हम घूमते घूमते आ चुके हैं इंडिया गेट एक्सप्लोर करने। आप देख सकते हो उसमें लाइटिंग वाइटिंग कैसी बदल गई है, ठीक है, और काफ़ी सारी यहाँ पे मेमोरियल भी आपको बताना चाहूँगा। तो हिस्टोरियल तो बहुत सारी आएगी आपको, मैं फिर भी ट्राई करूँगा बदलने का, ठीक है। तो अभी हमारा दोस्त का फोटो ले रहे सेल्फी स्टोरी के लिए और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो क्राउड कितना है। इसमें क्या हुआ पता है, मैं आपको बताऊं सबसे पहले, तो ये जो बॉर्डर है ना इस साइड से अगर आप आ रहे हो तो इधर बॉर्डर लगी हुई, ठीक है, तो हम लोग कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो आप लोग कभी आओ ना तो अंडरग्राउंड रास्ता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। तो अंडरग्राउंड रास्ते से फिर आप इधर से निकलोगे इधर से, ठीक है, तो अंडरग्राउंड से आना है। हाँ ये मैं बता दूँ क्योंकि हम लोग खुद देखो पॉपट हो गया, पूरा भीग भीगा पसीने में, गर्मी इतनी लग रही है। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है मेमोरियल का इंडिया गेट को, आप लोग देख सकते हो वॉर हुआ था उसके बारे में आपको पता ही होगा वैसे तो, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। उसका स्थिर है 43 किलोमीटर ऊंचाई पर है, पूरा ये विशाल है। अब देखा जाओगे इंडिया गेट के जो आजू बाजू जितनी भी जो स्पेस दिया है ना काफ़ी विशाल है। क्या हम लोग को आते आते हमारी तो हालत बिगड़ गई। सो आप लोग आना तो आप लोग कैब करके आना या करके आना, हम लोग डायरेक्ट वो पार्लियामेंट के सामने जो दिख रहा है बैकग्राउंड में पार्लियामेंट से सीधा वहाँ से हम लोग चल के आ रहे हैं। तो आप लोग अगर आना तो गाड़ी में आना, हम लोग का फर्स्ट टाइम था इसके लिए हम लोग घूम के आए, पूरा चलेगा, अच्छा लगा। अपन थोड़ा थके आने लगे, पसीना हुआ, गर्मी भी काफ़ी है देख सकते आप लोग, अपन अच्छा लगा चलेगा। आप लोगों के लिए करना पड़ता है अब इसके लिए तो लाइक बनती है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइस। ये 43 मीटर ऊंचा विशाल शादन है, ये सुल्तान भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे किंग वे कहा जाता है। इसका डिजाइन सर एडवर्ड इवेंस ने तैयार किया था। तेरह हजार 300 शहीदों के और अधिकारियों के नाम है यहाँ पे हमारे, जो प्रथम युद्ध हुआ था और जो अफगान का विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है गाइस, तो आपको बताना चाहिए उनके लिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम डायरेक्ट पार्लियामेंट से, डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है पार्लियामेंट हेड उधर से हम लोग आ गए गाइस। तो वहाँ से जो पूरा रास्ता जो प्राइड होता है ना यहाँ से, तो वहाँ से पूरा हम लोग वॉक करके आ रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम था, हम लोग को वीडियो बनाना तो पूरा कैप्चर करने का था, इसके लिए हम लोग वॉक करके आए। आप लोग हो सके तो पैदल मत आना, एक्चुअली गर्मी में तो आने ही मत, देखो हम लोग की हालत कैसी बिगड़ गई है। तो लाइक आप लोग है ना कैब करके आना, या तो फिर आप अपने जो खुद की अगर गाड़ी हो तो खुद की गाड़ी में आना, यहाँ तक का आना। और यहाँ से ना अंडरग्राउंड है, यहाँ से ध्यान रखना अंडरग्राउंड का, नहीं तो उसमें आधा तो आदमी लोग उसमें थक गए पोपट हो गए। फिर हम लोग फिर वहाँ से अंडरग्राउंड गए, अंडरग्राउंड से फिर हम लोग नीचे से आए।
सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्लीज कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।